तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सब बच्चे होंगे और मस्त होंगे। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी को, क्या है कि आज थोड़ा सूरजपुर जा रही हूँ दोस्तों, और मैं भी आज उपास हूँ कृष्ण भगवान का। आप लोग हैं या नहीं है कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन कृष्ण जन्माष्टमी का उपास रहता है। कहे कि मैं हूँ, और अभी नहा के और पूजा उजा करके अभी तैयार यार होके मैं जा रही हूँ। और हो सकेगा तो रास्ता में शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आप लोग भी देखिएगा। और क्या है ना दोस्तों, मेरे पास चूड़ी भी नहीं है ना, वहाँ पर जाके चूड़ी मेरे को कुछ कुछ खरीदना है, तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ साथ में, कि मैं भी नहीं जाती। देख रहे हैं मेरे पास सत्ता चूड़ी थोड़ा कम है, तो वहाँ सस्ता मिल जाता है ना, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहे हैं। अभी गाड़ी को नहीं निकाली, अभी निकालेंगे। अभी मेरे बाबू भी जाने के लिए कर रहा था, लेकिन वो क्या है ना कि अभी उसको अभी समझा कि मैं जा रही हूँ। आज तो इतना मौसम बना दिया था कि बारिश हो रहा था, मैं कपड़ा को धो रही थी सुबह उठी, तो फिर अपना घर का कुछ काम करते करते क्या है ना दोस्तों, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी आप लोग से बातें करने के लिए, और अभी रास्ते में भी दिखाऊंगी आप लोगों को अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाऊंगी, और जहाँ जाती हूँ जहाँ लूँगी जो वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी, हो सकेगा तो। ठीक है ना, देख रहे हैं अभी तक कितना लेट कर रहे हैं, जल्दी आ नहीं रहे हैं। अभी बाबू है तो अभी रोने लगेगा ना, फिर बहुत पसंद करता है। अभी उसको कैसे कैसे समझा के मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं जाने दे रहा था मेरा बाबू, तो बोल रहा बोला मम्मी मैं भी जाऊँगा, तो मैं बोली कि अभी तुम मत जा बेटा, मेरे को अभी डॉक्टर के पास जाना है सुई लगाने के लिए, इसलिए आज नहीं जा रहे। बोल रहे ठीक है जा ऐसे करके। देख रहे हैं अभी तक तैयार है, जल्दी 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 आगे हम निकालेंगे गाड़ी। तो देख लीजिए अभी मेरे हस्बैंड जी निकाल चुके हैं गाड़ी, और हम लोग जाने के लिए बहुत तैयार हो गए हैं और निकल रहे हैं जाने के लिए। दरवाजा बंद कर दे रही हूँ। और मैं कैसे लग रही हूँ दोस्तों? तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों देख सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी बैठाए हैं, यहाँ बाजा भी लगाए हुए हैं, और देखिए और ये रोड है बहुत कम था, लेकिन पानी अभी जल्दी लीजिए बस। गाड़ी धोने के कितना अच्छा, गाड़ी धोने के लिए बहुत सुंदर पानी है। देखो मैं यहाँ पर कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज देखेंगे। अगर यहाँ पर मछली अगर आ जाता तो कितना अच्छा लगता ना, बहुत प्यारा जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो आप आगे चलते हैं, आगे कुछ भी आपको नजारा और दिखाएंगे, देख लीजिए है ना।
रास्ता है, एक रास्ता में हम लोग सीधा जाएंगे। इधर आ गया और देखा है कि आपको अच्छा से नजारा, बहुत अच्छे से नजारा है दोस्तों। यहाँ इधर आने के लिए आ गए बहुत अच्छा, घूमने ही आई हूँ निकली घर से। आज सोचिए कि आज मेरा व्रत है, पे जाएंगे। देखिए दो रास्ता है यहाँ, देखिए दोस्तों कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। कितना कीचड़, बाप रे। इसको गाड़ी में कैसे करेंगे, इधर से नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा पसंद है कि गाड़ी गंदा आज हो जाएगा। आज हम लोग का पूरा आज गाड़ी गंदा हो जाएगा दोस्त। देखिए थोड़ा सा रुकिएगा ना, नदी ये कहाँ है, नदी महानदी ये है दोस्तों, महानदी। अरे बस मंदिर भी है, थोड़ा सा हम लोग रुक के आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। वो देखिए पत्थर देख रहे हैं, देख लीजिए दोस्त, देखना गिरा ना मैं। ये देखिए बाप रे, देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, ये देख रहे हैं। ये देखिए महानदी में है, और महानदी का पानी इतना ज्यादा जा रहा है कि क्या बताऊं। और देखिए देख रहे हैं, और पूरा उस तरफ भी है। ये देखिए अभी मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा खड़े हैं, तो मैं सोची थोड़ा सा वीडियो भी बना लेती हूँ। ये देखिए, देख के मेरे को डर लग रहा है, ये देख लीजिए, देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बाप रे, नीचे का मतलब देखा नहीं जा रहा है, इतना डर लग रहा है। चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखा दी मेरा हस्बैंड। अब चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं। देखिए सामने में मंदिर है,
दोस्तों देख लीजिए, अभी हम लोग जस्ट अभी आई हूँ और कपड़ा पड़ा उतार के नाइटी पहनी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। मैं आप लोगों को चूड़ी दिखाई नहीं थी कि कैसे कौन सा कलर लाई हूँ, और आप लोग देख सकते हैं मेरा चूड़ी ये है। तो हमारे ये भी ली हूँ। आप लोगों को कौन सा कलर अच्छी लगती है बताइएगा जल्दी कमेंट करके, ठीक है। और क्या है ना, सुबह से खाई नहीं हूँ ना, और उपास थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। देख लीजिए चेहरा थोड़ा सा उतर उतर गया है, ऐसा लग रहा है गड़गड़ गया, ऐसा लग रहा कुछ खाई नहीं तो चक गया है मेरा आज गाल। आइए देखो आते मतलब उधर से आते हैं, तो देख लीजिए दोस्तों इधर से मतलब आई है मम्मी, थोड़ा सा गई है बाबू लोगों को लेके ना, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इन लोगों के चावल बना रही हूँ। और देख लीजिए अभी यहाँ पर कुटा रहा है चावल, आटा मतलब चावल का, क्योंकि मशीन में नहीं ले जाए ना दोस्तों, तो हम लोग घर वाले बोले ना कि कूट के घर से ही बना के खाएंगे, और इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं रसोरा भी चावल का। हम लोग तो घर में रहते थे, तो मैं अपने वहाँ मैं अपना नहर में रहती थी ना, तो क्या बोलते हैं ना वो गेहूं का हम लोग रसोरा बनाते हैं, और यहाँ है तो चावल का रसोरा बनते हैं, क्योंकि हमारे घर में चावल ही का रसोरा खाते है ना। देख लीजिए पिसान अभी कूट रहे हैं, इसी में खटपटा है, देख लीजिए छोटा सा है, आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। अभी क्या है कि अभी फूल उल जा रही हूँ तोड़ूंगी, कहीं खोजूंगी अगर मिल जाएगा तो, पूरा तैयारी करके रख दूंगी ना। और अभी लाइट आया है तो अभी जा रही हूँ, पहले इन लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ, मेरा तो खाना है ही नहीं है, मेरे को तो बस यही सब खाना है। तो चलिए फिर दोस्तों ठीक है, बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये चावल का आटा है, और इसको गुड़ पानी से इसको मल के फिर एकदम रोटी के जैसा मस्त बना देंगे गोल इसको, उसके बाद फिर रसोरा बनेगा। अभी हम लोग का रसोरा बनाओ, अभी 6 बज रहा है, अभी पता नहीं कितना टाइम बन पाएगा। और इधर तो हम लोग खाना ना तो बन गया है, बस यही बचा है एक ठो। आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को खानी है तो बताइए। उठने मत इसीलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड दोस्तों देख सकते हैं मैं मेरा पूजा उजा सब हो गया है, मैं भी किसान जमा के अभी 8 बज गया, 8:30 बजने वाला है, अब मेरा पूजा उजा सब हो गया है। देख लीजिए दूध पी रही हूँ, गर्म है ना, थोड़ा सबको पी रही हूँ। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और हो सके तो सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों रात हो चुकी है, और आप सभी को गुड नाइट, क्योंकि अभी जा रही मैं भी थोड़ा सा अपना कुछ फरहार कर लेती हूँ, ठीक है। बाय बाय।